ये ले जयंत, अमृत और अपनी रक्षा करो। अमृत कलश अपने हाथों में लेने के बाद भी गरुड़ के मन में इसे पीने का विचार नहीं आया। जाओ यहां से शीघ्र। गरुड़, जयंत के साथ जाओ और अमृत को स्वर्ग तक पहुंचाने में उसकी सहायता करो। जाओ। देवराज, आप सच में चाहते हैं कि मैं अमृत लेकर जयंत के साथ जाऊं? हाँ गरुण, जयंत अभी छोटा है और उसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब परीक्षा होगी गरुड़ के व्यक्तित्व की, क्या इस विश्वास का सम्मान कर पाएगा या अमृत के लालच में अमृत का पान कर लेगा। अब शीघ्रता करो और जाओ यहाँ से। जाओ। जो आ गया, चलो जयंत। प्रभु, अमृत की चार बूंदें गिर गई। ये भी विधाता की योजना का भाग है शेष। भारत खंड के चार नगर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक ये वो चार स्थान होंगे जहां हर 12 वर्षों में महाकुंभ और 3 वर्षों में कुंभ का आयोजन होगा। उस समय जो व्यक्ति भी इन स्थानों पर नदी में स्नान करेगा उसे अमृत प्राप्त होने के समान फल मिलेगा। बस बहुत हो चुका, अब इस युद्ध को समाप्त करना ही होगा। वज्र का प्रयोग अब करना ही होगा मुझे। महाराज बलि अचेत हो गए हैं। विजय श्री हमारी हुई। देवराज इंद्र की, देवराज।
देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की। ये देवराज इंद्र का शंखनाद है। तो क्या असुर सम्राट बलि पराजित हुए? अवश्य ही देवता जीत चुके हैं, उसके बिना ये विजय शंखनाद बजाना असंभव है। तो अब क्या करें हम? ये तो वही पक्षी है जिसने सेनापति वज्रांत की पूरी सेना को हरा दिया था और मंदराचल पर्वत को अकेले ही उठा लिया था। हे महादेव, हम इनका सामना कुछ असुरों के साथ कैसे कर पाएंगे? भागो, अपने प्राण बचाओ। मुझे और अमृत को यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए आपका आभार गुरु। आभार की आवश्यकता नहीं है जैन, ये तो मेरा कर्तव्य था। चलिए इसे सुरक्षित भीतर रख देते हैं। नहीं जैन, स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार अब तक मैंने अर्जित नहीं किया है। मेरा कर्तव्य तो बस तुम्हें और अमृत को यहाँ सुरक्षित पहुँचाना था, तो मुझे लौटना होगा। सचमुच आपकी कर्तव्य निष्ठा अद्भुत है गरुड़। प्रभु विष्णु की कृपा से स्वर्ग पर देवताओं का आधिपत्य पुनः स्थापित हो गया। इस अमृत को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। मैं देवराज इंद्र का पुत्र जयंत हूँ, अमृत को सुरक्षित रखने आया हूँ। कृपया मुझे अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे। ये दोनों सर्प की प्रतिमा पिताजी के भूलोक पर रहते सर्प भाइयों की तो नहीं हो सकती। अवश्य इन्हें स्वर्गलोक की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। हे यंत्र सर्पो, मैं देवराज इंद्र का पुत्र जयंत हूँ, अमृत को यहाँ रखने आया हूँ। अब इसकी सुरक्षा का दायित्व तो आपका है।
अब अमृत सुरक्षित हुआ। आपका कोटि कोटि आभार प्रभु। श्रीहीन भाग्यहीन परम दुख की अवस्था में हम देवता व्याकुल थे और ऐसी स्थिति में आपने हमारी पुकार सुनी। हम पे कृपा करके क्षीर सागर के मंथन जैसे असंभव कार्य को संपन्न किया। हम तो बस माध्यम थे प्रभु। ये विजय तो आपकी ही है। विनाश के मुहाने पर खड़े इस संसार को नया जीवन दिया है आपने। अनंत प्राणियों की रक्षा की है। आपकी जय हो प्रभु। आपकी सदा ही जय हो। गणेश, नारद, सखा, ब्रह्मदेव, गुरु बृहस्पति और आप सभी देवी देवताओं को मेरा बहुत बहुत आभार। आप सबकी सहायता से समुद्र मंथन सफल हो पाया। आप सबकी सम्मिलित शक्ति ने वो कर दिखाया जो कुछ समय पहले कल्पना से भी परे था। सत्य कहा था माँ ने, ये सब किसी स्वप्न जैसा ही तो है। इतने समय तक वैकुंठ में रहने के बाद यहां से लौटने का तनिक भी मन नहीं कर रहा, परंतु माँ को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता। वहां माँ को कितना कुछ सहना पड़ता है, कितना श्रम करना पड़ता है। और इस मंथन में मंदराचल का योगदान कोई चाहे भी तो भूल नहीं सकता। अब आप अपने मूल स्थान पर लौट जाएं। मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूं कि आपकी सतह पर सदैव दुर्लभ से दुर्लभ जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे उगते रहेंगे जो अनंत काल तक मानव जाति की सेवा करेगा और उसके कारण
कोई भी पृथ्वीवासी आपको कभी भूल नहीं पाएगा। अनंत काल तक यश और सम्मान के पात्र होंगे आप। अब समय आ गया है सखा, वासुकी को उसके घाव से मुक्ति देकर उसे अपना आशीष प्रदान करें। अवश्य सखा। हे नीलकंठ महादेव, अपने चरण में मुझे शरण देकर मुझ पर दया करें। उठो वासुकी, उठो। इस मंथन में अतुलनीय योगदान देकर तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है वासुकी। अब से तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, ऊपर है, बहुत ऊपर। प्रभु, नागेश्वर महादेव शिव की, नागेश्वर महादेव शिव की, नागेश्वर महादेव शिव की, नागेश्वर महादेव शिव की, नागेश्वर महादेव शिव की जय।